नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं एग्जाम टी पे स्वागत करता हूँ। और आज का मेरा क्वेश्चन है मेंसुरेशन का। ये डायग्राम आपको दिया गया है। इस दिए गए डायग्राम में छोटे वृत्त की त्रिज्या आर टू ज्ञात करनी है और यहाँ पे वृत्त की भुजा 1 सेंटीमीटर है। देखो, ये एक तो बड़ा वृत्त है, इसकी रेडियस आर वन है, और ये छोटा वृत्त है, इसकी रेडियस आर टू है। आपको आर टू की रेडियस फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे ए बी सी डी, ये एक वर्ग है और इसकी भुजा 1 सेंटीमीटर आपको दी गई है। तो आर टू की रेडियस निकालना है। इसकी ये आर टू है, इसका मान आपको निकालना है। इसके लिए आपको पहले एक कॉन्सेप्ट ध्यान होना चाहिए कि अगर तीन वर्त ऐसे हो, दो वर्त स्पर्श कर रहे हो यहाँ पे ऐसे, और इन दोनों वर्तों को स्पर्श करते हुए एक ये वर्त और यहाँ पे ये स्पर्श रेखा हो, यहाँ पे दोनों की, तीनों की, ये इसकी स्पर्श रेखा है, इसकी भी स्पर्श रेखा है। अगर इसकी रेडियस आर वन है, इसकी रेडियस बाहर वाले की आर टू है, और इस छोटे वाले की रेडियस आर थ्री है। अगर इस टाइप से है तो वन अपॉन रूट में आर थ्री ये बराबर होगा 1/√R1 प्लस 1/√R2, इसके बराबर होगा। क्योंकि ये छोटे वाले वृत्त है, इसकी रेडियस का 1/√3, ये 1/√ बराबर इस वाले वृत्त की रेडियस और इस वाले वृत्त की रेडियस का योग का रूट का। ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान होना चाहिए। और ये कॉन्सेप्ट आया कैसे, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हो। अब यहाँ पे देखो, तीन सर्किल कैसे बन रहे हैं। यहाँ पे एक सर्किल तो ये है, एक सर्किल ये है, ये यहाँ पे ए डी, ये इस वृत्त की भी स्पर्श रेखा है, इस छोटे वाले वृत्त की भी स्पर्श रेखा है, और ये यहाँ पे एक जो एक सेक्टर खींचा गया है, ये वृत्त का 1/4 पार्ट खींचा गया है, बी को केंद्र मान के ये खींचा गया है। अगर इसको कंप्लीट करते हैं, ऐसे इसको ये कंप्लीट करेंगे तो बड़ा सर्किल बनेगा। तो इस बड़े सर्किल की भी ये स्पर्श रेखा होगी, इस छोटे वाले की भी स्पर्श रेखा है, और इसकी भी स्पर्श रेखा है। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लगेगा कि 1/√3 छोटे वाले की रेडियस ये बराबर 1/√R1 1/√R2 दोनों वर्तों की रेडियस के योग के इसके बराबर होगी। तो यहाँ पे देखो, और आर वन है तो आर वन की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी √2 - 1² a। तो यहाँ पे a है ना, इसकी रेडियस है, यहाँ पे a का मान हो जाएगा 1। अब देखो, ये r1 का मान √2 - 1² a ये कैसे आया, इसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको किसी भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है, SSC CGL में तो खास तौर से। अब ये आपको ज्ञात कैसे करना है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक। अब देखो, अभी आपको बताया कि 1/ जो छोटे वाला वर्त है, 1/√2 ये बराबर होगा 1/√R1 प्लस 1/√। अब ये बड़े वाला वर्त है, इसकी रेडियस होगी a, तो a यहाँ पे कितनी हो गई 1, तो यहाँ पे 1 कर सकता हूँ डायरेक्ट में। अगर इसको मैं आगे बढ़ाऊँ तो इसकी भी रेडियस तो 1 ही होगी। अब देखो, 1/√R2 का मेरे को मान ज्ञात करना है। अब 1/R1, अब R1 की वैल्यू √2 - 1² a है, और a का मान यहाँ पे 1 है, तो √2 - 1² ये हो जाएगा R1 का मान। और जैसे मैं इसका रूट लेऊँगा तो √2 - 1 रहेगा और प्लस में हो जाएगा 1/√1 है, तो √1 का मान भी 1 हो जाएगा। अब आगे देखो, 1/√2 ये हो जाएगा 1/, अब इसको देखो मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ डायरेक्ट, तो देखो आगे क्या होता है इसमें। जैसे देखो, यहाँ से LCM इसका आएगा √2 - 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस, ये हो जाएगा √2 - 1। अब देखो, -1 से तो ये +1 कैंसिल हो जाएगा। अब आगे देखो, 1/√2 बराबर ऊपर तो हो जाएगा √2 और नीचे हो जाएगा √2
माइनस वन। अब मान ज्ञात करना है केवल आर टू का, तो मैं इसको उल्टा कर लेता हूँ। तो रूट में आर टू इसको उल्टा किया, तो इसको भी मैं उल्टा कर लेता हूँ, रूट टू माइनस वन अपॉन रूट टू। अब ये रूट सी की वैल्यू आ गई, मतलब रूट आर टू। अब मान ज्ञात करना है मेरे को केवल आर टू का, आर टू का मान ज्ञात करूँगा तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो इधर से तो रूट हट जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर के यहाँ पे रूट लग जाएगा, और नीचे रूट दो है, इसका स्क्वायर करेंगे तो दो हो जाएगा, और आर टू का मान यहाँ पे रूट टू माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन टू। ये मेरा आंसर रहेगा इसका, स्मॉल सर्किल है ये बीच वाला, तो इसकी रेडियस यहाँ पे हो जाएगी रूट टू माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन टू। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप ये दो वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि ये अगर अच्छे तरीके से हो जाएगा तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। एक तो ये फॉर्मूला आपको देख लेना है, और एक आर वन कैसे निकाली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर ज़रूर देख लेना आप। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।